हरियाणा के खेल मंत्री पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों के बाद लगातार विपक्ष हावी है। आज इन्हीं के चलते इनेलो महिला विंग के तरफ से भी राज्यपाल को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनेलो नेता सुनैना चौटाला मौजूद है, जानते हैं उससे। आज आपने ज्ञापन दिया है संदीप सिंह के खिलाफ, क्या कुछ मांगे रखी है उसमें? देखिए, हमने ज्ञापन में गवर्नर साहब से एक मांग रखी है कि महिला के साथ न्याय होना चाहिए। जो खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, जो आरोप एक महिला कोच ने उनके ऊपर लगाए हैं, उनकी एक फेयर जांच होनी चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान महिला के प्रति आया है, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा कि हम गवर्नर से जाएं, क्योंकि वो एक पहले व्यक्ति हैं हरियाणा प्रदेश के जिनके ऊपर मैं कोई नहीं समझती। तो मैं उनसे भी यही कहूंगी, वो अपनी कुर्सी से जस्टिस करें और मुख्यमंत्री साहब भी अपनी कुर्सी से जस्टिस करें, क्योंकि इस कुर्सी के ऊपर बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है, तब ये कुर्सी मिलती है। और महिलाएं खास करके आहत हैं हरियाणा प्रदेश की कि एक महिला के ऊपर इस तरीके से छेड़छाड़ हो जाती है और वो गुहार लगाती है और उसके बाद भी उसकी सुनवाई ना हो, तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या कोई समय सीमा भी आपने उसके अंदर दी है कि कितने समय तक जो है इस पर एक्शन हो जाना चाहिए? देखिए हरसिमरत, हमने 15 दिन का समय जो है रखा है। 15 दिन के अंदर अंदर हमारी ये गुजारिश है और विनती है कि हमारे साथ हमारी जो महिला है उसके कोच के साथ न्याय हो और संदीप सिंह को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, जब तक ये जो मामला है जो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी ना हो। देखिए, आप किसी पोस्ट पे बैठे हैं तो वहाँ से आप कुछ भी अपना उस पोस्ट का मिसयूज़ कर सकते हैं, जो कि दिख रहा है सामने, क्योंकि वो यूज़ अगर मिसयूज़ ना होता तो महिला कोच के साथ ऐसी असभ्य घटना ना होती। आप स्वयं एक महिला हैं, तो मैं आपसे भी ये प्रार्थना करूँगी, आप भी हमारे साथ आएँ, एक महिला की आवाज़ को उठाने में हमारा साथ दें। बिल्कुल सुनैना जी, अगर इस टाइम लिमिट के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो किस तरह का आपकी तरफ से एक्शन रखा जाएगा? महिला विंग आगे क्या करेंगे? महिला विंग हर जगह अपने हेडक्वार्टर्स पे, जिला हेडक्वार्टर्स पे, चंडीगढ़ ऑफिसेज में, जहाँ जो मेन ऑफिसेज हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है, वहाँ पे हम प्रदर्शन जरूर करेंगे जब तक उस महिला को न्याय ना मिल जाए। और देखिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है जब हमें चारों तरफ से ये दिख रहा है, क्योंकि हर एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर के मुंह से सिर्फ एक चीज़ सुनाई देती है कि बहुत बड़ी पोस्ट पे संदीप सिंह हैं, उनके साथ एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, तो वो महिला भी कोई छोटी नहीं है, वो भी ओलंपिक के खिलाड़ी रही है, वो भी मेडल जीत के आई है, तो इस तरीके से उन्हें ना आंका जाए कि वो एक साधारण महिला है जो चाहे उसको रोंद के चला जाए। पर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर तो हो रहा है। वहीं संदीप सिंह का कहना है कि एक राजनीतिक ऑफिस में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। देखिए, संदीप सिंह जी अपने आप को छुपाने के लिए इस मामले को राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं, जबकि अभय सिंह जी चौटाला विधानसभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय वो महिला कोच वहाँ पर जाती है, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला खुद ओलंपिक फेडरेशन के खुद अध्यक्ष हैं, तो एक जाहिर सी बात है जब उसे कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। और अभय सिंह जी चौटाला पे हमें इसीलिए गर्व है क्योंकि वो जो भी बात उनको सच नज़र आते उसी का साथ देते, झूठ के साथ वो कभी खड़े नहीं होते। देखने में आ रहा है जिस तरह से आपने पत्र भी उनको लिखा है, मांग पत्र में आपने लिखा है कि जो राज्यपाल है वो खुद हस्तक्षेप करें इस मामले में, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल राज्यपाल जी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का जो बयान है कि ऐसे ही बिना मतलब किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए, ऐसे बिना मतलब कोई एलिगेशन नहीं लगाता, इसलिए हमने राज्यपाल साहब से ये गुजारिश की है और हमें उम्मीद है पूरी कि वो महिलाओं को इसमें सम्मान देंगे और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ इनेलो नेता सुनैना चौटाला, जिन्होंने जानकारी दी कि इनकी तरफ से जो ज्ञापन सौंपा गया है तो उसको देखते हुए टाइम लिमिट दी गई है कि 15 दिनों के अंदर अंदर अगर तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, संदीप सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, साथ ही साथ उनकी बर्खास्तगी जो है मंत्री पद से हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो महिला विंग की तरफ से जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा, धरने प्रदर्शन लगाए जाएंगे, खासतौर पर पेहवा में जो है इनकी तरफ से ये सारे प्रदर्शन किए जाएंगे। अब देखना होगा कि कितने समय लगता है और इस मामले की जांच पूरी होने में और आगे की कार्रवाई होने में। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।